तो भाई अगर आपका बजट 12,000 से लेके 13,000 रुपए के अंदर है और आप एक अच्छा डिवाइस लेना चाहते हो, चाहे आप गेमर हो, चाहे आप फोटोग्राफर हो, या फिर आप फोन पे बहुत ही ज्यादा एडिटिंग का काम करते हो, इस प्राइस पे हमारे पास दो ही डिवाइस निकल के आता है जो अपने प्राइस को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। पहला है हमारा रेडमी K20 Pro और दूसरा है हमारा OnePlus 6T। दोनों का जो सेकंड हैंड प्राइस है भाई 2022 में, वो बहुत ही सिमिलर है भाई। रेडमी K20 Pro आपको 12,000 से लेके 13,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा और OnePlus 6T आपको 11,000 से लेके 12,000 रुपए के अंदर अच्छे कंडीशन के साथ मिल जाएगा। दोनों के प्राइस पे उतना कंफ्यूजन नहीं है भाई, जितना कंफ्यूजन भाई अपने नीच के हिसाब से किसी एक फोन को सिलेक्ट करने में है। बट डोंट वरी भाई, आज की इस वीडियो में आपके माइंड पे इन दोनों फोन को लेकर जितने भी कंफ्यूजन है ना, सबको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। और लास्ट पे मैं आपको एक टिप भी बताऊंगा कि इन दोनों फोन को आप 10,000 रुपए के अंदर कैसे ले सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसे ही सेकंड हैंड फोन से रिलेटेड जेन्युइन नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है तो आप ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यू नो व्हाट, इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस वाला जेन्युइन नॉलेज शेयर करता हूँ। तो और मेरे भाई क्या हाल है, स्वागत है आपका और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको रेडमी K20 Pro वर्सेस OnePlus 6T के बीच में एक डीप स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ कि आपके नीच के हिसाब से आपके लिए बेस्ट फोन कौन सा होने वाला है। और दो साल से मैं रेडमी K20 Pro को यूज कर रहा हूँ। मेरा भाई गेमिंग से लेके यूट्यूब तक, यूट्यूब से लेके एडिटिंग तक, और एडिटिंग से लेके भाई वीडियोग्राफिक तक, सब कुछ भाई मैं अपने इस फोन से करता हूँ। मैं जितना सारा चीज करता हूँ ना, सब कुछ मैं अपने इसी फोन से करता हूँ। तो रेडमी K20 Pro के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम सबसे पहले हमारे कंपैरिजन को फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमारा कौन सा फोन विनर निकल के आता है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देन लास्ट पे आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि आपके नीच के हिसाब से आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्च डेट की। तो यहाँ पे हमारा Redmi K20 Pro लॉन्च हुआ था 1 जून 2019 को और OnePlus 6T लॉन्च हुआ था 1 नवंबर 2018 को। तो यहाँ पे लॉन्च डेट के हिसाब से हमारा K20 Pro विनर निकल के आता है। यहाँ पे देखो, जितना पुराना फोन होता है उतना ही उस फोन पे प्रॉब्लम निकलने का चांसेस ज्यादा होता है। तो लॉन्च डेट के मामले में मैं K20 Pro को देना चाहूंगा 1 पॉइंट और OnePlus 6T को देना चाहूंगा 0.70 पॉइंट। बात करें अगर वेट की तो Redmi K20 Pro का जो वेट है वो है 191 ग्राम्स और OnePlus 6T का जो वेट है वो है 185 ग्राम्स। तो यहाँ पे K20 Pro आपको थोड़ा सा हैवी लग सकता है कम्पेयर टू OnePlus 6T। तो यहाँ पे मैं K20 Pro को देना चाहूंगा 0.90 पॉइंट और OnePlus को देना चाहूंगा 1 पॉइंट। बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो यहाँ पे दोनों डिवाइस पे हमें फ्रंट एंड बैक में ग्लास देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बात करें प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमें OnePlus 6T में मिलता है गोरिल्ला ग्लास 6 और K20 Pro में हमें मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5। तो यहाँ पे नो डाउट हमें 6T में प्रोटेक्शन बढ़िया मिलता है। तो यहाँ पे मैं प्रोटेक्शन के मामले में OnePlus 6T को देना चाहूंगा 1 पॉइंट और Redmi K20 Pro को देना चाहूंगा 0.80 पॉइंट। बात करें अगर डिस्प्ले की तो Redmi K20 Pro में हमें मिलता है 6.39 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले HDR10 के साथ, वही पे OnePlus 6T में हमें मिलता है 6.41 इंच का ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले। यहाँ पे देखो भाई, दोनों डिवाइस पे आपको सुपर एमोलेड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फर्क बस इतना है कि OnePlus कुछ ऑप्टिमाइज करता है डिस्प्ले पे, इसी वजह से वो अपने डिस्प्ले को नाम देता है ऑप्टिक। तो डिस्प्ले के क्वालिटी के मामले में मैं दोनों को 1-1 पॉइंट देना चाहूंगा। बात करें अगर प्रोसेसर की तो भाई देखो, मेरा मानना यही है कि एक फोन पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस फोन का प्रोसेसर, ना कि उस फोन का रैम। आपके फोन पे जितना सारा चीज प्रोसेस होते हैं लाइक गेमिंग या फिर चैटिंग या फिर एडिटिंग, सब कुछ भाई ये प्रोसेसर ही हैंडल करता है। तो यहाँ पे हमें Redmi K20 Pro में मिलता है Snapdragon 855 और हमें OnePlus 6T में मिलता है Snapdragon 845। यहाँ पे हमें फैब्रिकेशन प्रोसेस जो मिलता है वो 855 में मिलता है 7mm का और 845 का जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो है 10mm का। तो देखो, ये सबको पता होगा कि फैब्रिकेशन प्रोसेस जितना कम होगा प्रोसेसर में, वो प्रोसेसर उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा और उतना ही एनर्जी एफिशिएंट होगा। और हमें हीटिंग भी कम देखने को मिलता है जितना पावर एफिशिएंट होता है प्रोसेसर। तो यहाँ पे मैं प्रोसेसर के मामले में K20 Pro को देना चाहूंगा 1 पॉइंट और OnePlus 6T को देना चाहूंगा 0.60 पॉइंट। बात कर लेते हैं CPU एंड कोर की। भाई देखो, प्रोसेसर तो एक नाम है, उसके अंदर कौन कौन सा कोर यूज किया गया है उस प्रोसेसर पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो Snapdragon 855 का जो कोर डिवाइडिंग है ना, वो 3 भाग में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस के लिए 1 कोर मिलता है, लो परफॉर्मेंस के लिए 3 कोर मिलता है और पावर एफिशिएंसी के लिए 4 कोर मिलता है। यहाँ पे 1 कोर मिलता है हमें क्रायो 485 गोल्ड CPU जिसका क्लॉक स्पीड है 2.84 GHz और लो परफॉर्मेंस के लिए हमें मिलता है 3 कोर क्रायो 485 गोल्ड CPU जिसका क्लॉक स्पीड है 2.42 GHz की। और बाकी जो पावर एफिशिएंसी वाले कोर है उसके बारे में बात नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। वही पे OnePlus 6T में आपको
मिलता है 4 कोर परफॉर्मेंस वाले क्रायो 385 गोल्ड सीपीयू और जिनका क्लॉक स्पीड है 2.8 गीगाहर्ट्ज़ की। तो भाई देखो सीपीयू के मामले में यहाँ पे हमारा Redmi K20 Pro यहाँ पे 30% बेटर निकल के आता है। यहाँ पे आपको एक कोर मिलता है हाई परफॉर्मेंस के लिए, 3 कोर मिलता है लो परफॉर्मेंस के लिए। हाई कोर का काम क्या होता है, जब भी आप कोई हाई गेमिंग करते हो या फिर हार्ड एडिटिंग करते हो लाइक उस टाइम पे आपका जो हाई परफॉर्मेंस है वो काम पे आता है। अदरवाइज अगर आप फोन पे नॉर्मल टास्क करते हो तो लो परफॉर्मेंस वाले जो 3 कोर होता है वो हैंडल कर लेता है। और यहाँ पे क्लॉक स्पीड भी ज़्यादा मिलता है, साथ में हमें क्रायो का वर्जन भी ज़्यादा मिलता है Redmi K20 Pro में। तो ओवरऑल सारा चीज़ें मिला के हमारा जो Redmi K20 Pro का जो CPU है वो 30% बेटर निकल के आता है। तो यहाँ पे मैं CPU के मामले में Redmi K20 Pro को देना चाहूँगा 1 पॉइंट और OnePlus 6T को देना चाहूँगा 0.70 पॉइंट। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकेशन का कंपैरिजन कर रहा हूँ ना कि मैनेजमेंट की। यहाँ पे देखो अगर फोन का जो प्रोसेसर अगर कमजोर भी रहेगा उसका जो मैनेजमेंट वो बढ़िया रहेगा तो उस प्रोसेसर मतलब ज्यादा पावर आपको निकाल के दे सकता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैनेजमेंट की। तो ये मत समझना कि यहाँ पे प्रोसेसर कमजोर है तो हमारा OnePlus 6T का जो परफॉर्मेंस है वो भी कमजोर रहेगा, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे बात आता है मैनेजमेंट की, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बात करें GPU की, यहाँ पे भाई हमें नाम से पता चलता है GPU का जो फुल फॉर्म है वो ये है कि ग्राफिक्स प्रोसेस यूनिट। तो अगर आप कोई हैवी ग्राफिक्स वाला गेम खेल रहे हो तो उस टाइम पे आपका GPU बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमें K20 Pro में मिलता है Adreno 640 GPU और वही OnePlus 6T में हमें मिलता है Adreno 630 GPU। तो यहाँ पे देखो GPU के मामले में Redmi K20 Pro ऑलमोस्ट 20% बेटर निकल के आता है कम्पेयर टू OnePlus 6T। तो यहाँ पे मैं K20 Pro को देना चाहूँगा 1 पॉइंट और OnePlus 6T को देना चाहूँगा 0.80 पॉइंट। लास्ट पे हम लोग इसी पॉइंट से विनर निकलने की कोशिश करेंगे, इसी वजह से मैं पॉइंट का यूज़ कर रहा हूँ। बात करें अगर स्टोरेज सपोर्ट की, तो स्टोरेज सपोर्ट के मामले में दोनों डिवाइस पे आपको UFS 2.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोनों को मैं एक एक पॉइंट देना चाहूँगा। बात करें अगर रैम सपोर्ट की, तो यहाँ पे भी मैं दोनों को एक एक पॉइंट देना चाहूँगा बिकॉज यहाँ पे दोनों में आपको LPDDR4X का रैम देखने को मिल जाता है। तो इसी वजह से मैं दोनों को एक एक पॉइंट देना चाहूँगा। आगे बात करें अगर कैमरा की, तो कैमरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमें Redmi K20 Pro में मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। यहाँ पे मेन जो सेंसर है वो आता है 48 मेगापिक्सल और दूसरा जो लेंस है वो आता है 12 मेगापिक्सल, तीसरा जो लेंस है वो आता है 8 मेगापिक्सल। वही पे OnePlus 6T में हमें मिलता है डुअल कैमरा सेटअप 20+16 मेगापिक्सल का। और यहाँ पे Redmi K20 Pro का जो लेंस है वो सोनी का है वो मेरे को पता है, लेकिन OnePlus 6T का जो लेंस है वो सैमसंग का है या फिर सोनी का है ये मुझे नहीं पता। बट ओवरऑल अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज यहाँ पे आपको नंबर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। बट यहाँ पे एक्चुअल क्वालिटी जो है ना वो उतना ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे मैनेजमेंट की बात आती है। OnePlus का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है, तो इसी वजह से दोनों का जो कैमरा है वो थोड़ा सा अच्छा आपको K20 Pro में देखने को मिल जाएगा, बट उतना ज़्यादा नहीं, काफ़ी हद तक हमारा OnePlus 6T भी टक्कर दे सकता है K20 Pro को। तो कैमरे के मामले में K20 Pro को देना चाहूँगा 1 पॉइंट और OnePlus को देना चाहूँगा 0.90 पॉइंट। बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो देखो भाई वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों डिवाइस का सेम है। यहाँ पे आप Redmi K20 Pro में भी आप 4K 60 या फिर 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, वहीं पे OnePlus 6T में आप 4K 30 या फिर 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में मैं दोनों को एक एक पॉइंट देना चाहूँगा। बात करें अगर सेल्फी की, तो यहाँ पे हमें K20 Pro में मिलता है पॉपअप सेल्फी 20 मेगापिक्सल का, वहीं पे हमें OnePlus 6T में मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। भले ही फोटो की क्वालिटी पे ज़्यादा डिफरेंस ना हो बट यहाँ पे पॉपअप स्टाइल में थोड़ा सा आगे चला जाता है बिकॉज इस पे आपको स्टाइलिश पॉपअप सेल्फी मिलता है इसी वजह से। तो यहाँ पे मैं कैमरे के मामले में Redmi K20 Pro को देना चाहूँगा 1 पॉइंट और OnePlus 6T को देना चाहूँगा 0.90 पॉइंट। यहाँ पे देखो बात करें अगर हेडफोन जैक की, तो Redmi Note 8 Pro में आप हेडफोन जैक आपको मिलता है, आप हेडफोन लगा के गेमिंग या फिर गाना सुन सकते हो, वहीं पे OnePlus 6T में आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता है। तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत ही एक डिसएडवांटेज हो जाता है OnePlus 6T के लिए। तो यहाँ पे मैं OnePlus 6T को देना चाहूँगा 0.60 पॉइंट और Redmi K20 Pro को देना चाहूँगा 1 पॉइंट। बात करें अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो नो डाउट यहाँ पे आपको दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है और दोनों में आपको टच जनरेशन वाला फिंगरप्रिंट मिलता है। तो फिंगरप्रिंट के मामले में दोनों को मैं एक एक पॉइंट देना चाहूंगा। बात करें अगर बैटरी की, तो Redmi K20 Pro में हमें मिलता है 4000mAh का बैटरी, वही पे OnePlus 6T में हमें मिलता है 3700mAh का बैटरी। और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग हमें K20 Pro में मिलता है 27 वाट का और OnePlus 6T में हमें मिलता है फास्ट चार्जिंग 20 वाट का। तो यहाँ पे देखो OnePlus 6T हमारा पुराना फोन है कम्पेयर टू Redmi K20 Pro, ऊपर से उसका बैटरी एमएच भी कम है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं Redmi K20 Pro को देना चाहूँगा 1 पॉइंट और OnePlus 6T को देना चाहूँगा 0.90 पॉइंट। एंड सबसे लास्ट पे बात करें भाई एंटूटी स्कोर की, तो यहाँ पे Redmi K20 Pro का जो एंटूटी स्कोर है वो है भाई 3,79,000 के आसपास, वहीं पे OnePlus 6T का जो एंटूटी स्कोर है वो है 2,94,000 के आसपास। तो यहाँ पे नो डाउट एंटूटी स्कोर के मामले में Redmi K20 Pro बहुत ही आगे निकल जाता है। तो एंटूटी स्कोर के मामले में मैं यहाँ पे K20 Pro को देना चाहूँगा 1 पॉइंट और OnePlus 6T को देना चाहूँगा 0.70 पॉइंट।
तो भाई ये था इन दोनों फोन के बीच में डीप स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। यहाँ पे आप विनर देख सकते हो, हमारा जो विनर है वो साफ Redmi K20 Pro है, बट इसका जो प्राइस है वो भी ज्यादा है। और यहाँ पे मैं बात करूँ अगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस की, तो भाई मुझे नहीं लगता यहाँ पे जितना डिफरेंस यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन पे लगा, मुझे नहीं लगता आपको रियल लाइफ में यूज करने में उतना ज्यादा डिफरेंस लगेगा। बिकॉज भले ही देखो इसका स्पेसिफिकेशन के हिसाब से OnePlus 6T बहुत ही पीछे रहता है, बट OnePlus भाई उस चीज को मैनेजमेंट अच्छा देके भाई कवर कर लेता है। OnePlus का जो मैनेजमेंट है वो Redmi के कंपैरिजन में काफी हाई होता है भाई, इसी वजह से उसका अगर स्पेसिफिकेशन कमजोर रहता है ना, तो वो मैनेजमेंट बढ़िया देके भाई उस चीज को कवर कर लेता है। बात करें अगर BGMI की, तो BGMI दोनों में आपको एक्सट्रीम पे खेल सकते हो, 60 FPS आपको दोनों ही डिवाइस निकाल के दे सकता है। बट यहाँ पे अगर आप FPS स्टेबिलिटी की बात करो, तो भाई यहाँ पे दोनों डिवाइस आपको लगभग 50 से लेके 55 का हॉट ड्रॉप पे, मतलब ज्यादा बंदे आते हैं तो 50 से लेके 55 का FPS आपको मैनेज करके दे देंगे दोनों डिवाइस। बस आपको बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है यहाँ पे आपको OnePlus 6T में, बिकॉज इसका बैटरी भी छोटा है और फोन ज्यादा पुराना है। बाकी परफॉर्मेंस आपको बहुत ही तगड़ा मिलेगा OnePlus 6T से भी और Redmi K20 Pro से भी। और मैंने जो आपको बताया था ना लास्ट टिप की इन दोनों फोन को आपको 10,000 में कैसे लेना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जो Redmi K20 Pro है यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो बैक पैनल है वो टूटा हुआ है। तो अगर आपको बैक पैनल ऐसा टूटा हुआ फोन मिलता है, चाहे वो OnePlus 6T हो या फिर Redmi K20 Pro, तो उस टाइम पे क्या होगा भाई, देखो फोन का बैक पैनल टूटा है, आपको फोन चलाने में कोई दिक्कत नहीं लगेगा, तो उस टाइम पे आपका फोन का जो प्राइस है वो बहुत ही कम हो जाता है। लाइक आपको 9,000-10,000 रुपए में Redmi K20 Pro या फिर OnePlus 6T आपको मिल सकता है। तो अगर आपके पास पैसा कम है तो आप ऐसा फोन ढूंढिए, बैक पैनल टूटा है तो ठीक है उसके ऊपर कुछ लगा दो, उसके बाद यूज करो भाई, आराम से मक्खन की तरह चलेगा आपका फोन। बाकी आप अपने नीच के हिसाब से किसी भी फोन के लिए जा सकते हो, दोनों ही डिवाइस पे आप अच्छा गेमिंग कर सकते हो, अच्छा फोटोग्राफी कर सकते हो। लुक वाइज आपको Redmi K20 Pro थोड़ा सा अच्छा मिलता है, बट OnePlus के साइड जाते हो तो आपको ब्रांड मिलता है OnePlus का। आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूंगा, दोनों डिवाइस अपनी अपनी जगह बहुत ही सही है। यहाँ पे अगर आपको स्टाइल चाहिए तो आप Redmi K20 Pro के लिए जा सकते हो, और अगर आपको ब्रांड चाहिए तो आप OnePlus के लिए जा सकते हो, ठीक है। बाकी यार आज का वीडियो यही पे खत्म करते हैं, आप नीचे कॉमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप नीचे कॉमेंट करके ये भी बताओ। और मैं मिलता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल।